السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر صاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات على محمد چودہ سو چھیالیس ہجری کے عشر ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں آپ اور ہم اس وقت تیسری مجلس میں شریک ہیں اور ہمیں خدا نے وہ فضیلت اور وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم بسط فخر ملائکہ سے بھی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ صرف تم ہی نہیں ہم بھی مقامات حیدریہ پر بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس علی کی محبت عطا فرمائی کہ جس علی سے خود اللہ کا محبوب بھی محبت رکھا عالم اسلام کی ایک ایسی ہستی کہ جس نے علم کے ہر شعبے پر بات کی جس نے جب وہ منبر پہ آیا تو اس نے خطابت کے جوہر ایسے دکھائے کہ یقیناً جہاں قرآن کی آیتیں سلام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں
जब वो शजाअत के मैदान में आया तो हर शजाए दुनिया ने ये चाहा कि अपनी तलवार पर उसका नाम गंदा करा लिया जाए। जब वो सखावत के मैदान में आया तो हातिमे ताई सलाम करने के लिए आ गया। जब वो नजाबत के मैदान में आया तो अंबिया ने उसको सलामी पेश की। जब वो सयादत के मैदान में आया तो हसन और हुसैन जैसे सैयदों ने कहा कि अली हमारा भी बाबा है। जब वो विलायत के मैदान में आया तो कायनात के हर वली ने ये बात वाजिब जानी कि देखो हम वली हैं इसलिए कि हम अली वाले हैं। तो कायनात के हर शोबे में अली छाए हुए हैं, अली नजर आते हैं। और कायनात का कोई शोबा, चाहे वो इल्म का शोबा हो, चाहे इल्म का शोबा हो, चाहे फसाहत का शोबा हो, चाहे बलागत का शोबा हो, चाहे इल्म सर्फ हो, चाहे इल्म नहव हो, चाहे इल्म कलाम हो, चाहे इल्म बयान हो, चाहे इल्म फलसफा हो, चाहे इल्म तबीयात हो, चाहे इल्म माबादु तबीयात हो, चाहे इल्म कीमिया हो, चाहे इल्म अफलाक हो, चाहे इल्म अब्दान हो, चाहे इल्म नुजूम हो, चाहे इल्म चर्फ हो, चाहे इल्मुल अर्ज हो, चाहे इल्मुल अब्दान हो, चाहे इल्मुल रूह हो, चाहे इल्मुल कब्र हो, चाहे इल्मुल रूह हो, चाहे इल्म ज़हन हो, चाहे इल्म ज़र्रात फिल अर्ज़ हो, कोई भी इल्म हो, अली ने हर इल्म पर गुफ्तगू करके बताया कि कोई इल्म उस वक्त तक इल्म नहीं कहलाता जब तक मुझसे मंसूब ना हो जाए। कोई इल्म उस वक्त तक साद की मंजिल पर नहीं आ सकता जब तक उस इल्म के किरदार पर दस्तखत यदुल्लाह ना हो जाए। जब तक इल्म के किरदार पर अली के हाथ के दस्तखत ना आ जाए। तो जहां अली तस्दीक कर दे, जिसकी अली तस्दीक कर दे, जिसकी अली तस्दीक कर दे, वो बहुत काबिले एतमाद हो जाता है, वो काबिले एतना हो जाता है, वो काबिले एतबार हो जाता है। एक वो हस्ती कि जो 23 बरस का उस आलम में जवानी है और कड़ी जवानी है, जवानी है और कड़ी जवानी है, 21 बरस का जवान, जहां 21 बरस का जवान जंगे बद्र में मुशरिकीन के बड़े बड़े और बूढ़े बूढ़ों को ज़िबह कर दे। जंगे बद्र भी अली के नाम, जंगे खंदक भी अली के नाम, जंगे ओहद भी अली के नाम, जंगे खैबर भी अली के नाम, जंगे ज़ाते सलासिल भी अली के नाम, जंगे क़िनका भी अली के नाम, जंगे बनू नुज़ैर भी अली के नाम, ग़ज़वा बनी मुस्तलक भी अली के नाम, फतेह खैबर भी अली के नाम, फतेह कमूस भी अली के नाम, फतेह हुनैन भी अली के नाम। जानवर वाली जंग भी अली के नाम, सफों वाली जंग भी अली के नाम, दीन से खारिज हो जाने वालों की जंग भी अली के नाम। अली वो जवाने राना है कि जब मैदान जंग में आए, जुमला दे रहा हूं नौजवानों, अली का जिक्र है और ला फता इल्ला अली है, रजुल है अली, अली का नाम आते ही जिस्म के रगो रेशे में रवानी आ जाती है, इंसान के पट्टे, इंसान के टिश्यूज, इंसान के बाजुओं की मछलियां मचलने लग जाती हैं। अली का नाम आते ही इंसान की रूह रक्स करने लग जाती है, अली का नाम आते ही इंसान का शऊर आसमानों की तरफ परवाज करना शुरू कर देता है।
है कोई मेरा साथ देने वाला? अली उस जवाने राना का नाम है, उस जवाने राना का नाम है कि जब मैदान में आए तो उस पर रजमिया लिखा जाए। रजमिया आपसे बेहतर कौन जाने। रजमिया कहते हैं जंग में आने वालों की जंगी हालात पर लिखे जाने वाली नज़में। इसलिए कि एक जुमला मेरे जहन में आया, वो जुमला मैंने अभी बुना है, वो आपके हवाले करता हूं। और लफ्ज रहा, याद रखिएगा, जवाने राना अली वो जवाने राना है। काश के जुमला पहुंच जाए, अली वो जवाने राना है कि जब मैदान जंग में आए तो उस पर शायर रजमिया लिखे, और जब वो किसी बज़्म लतीफ में आए तो शायर उस पर गजल लिखना शुरू कर दे। जब वो अली अकबर आए नादरी, जब वो उसने मुजस्सम की मंजिल पर आ जाए तो शुआरा उस पर गजल लिखना शुरू कर दे कि अली की जुल्फे ऐसी, अली की पेशानी ऐसी, अली के गोशे मुबारक ऐसे, अली की भवें कैसी, अली की आंखें उन पर भी शायरी हुई, अली की पलकें उन पर भी शायरी हुई, अली के रुखसार पर भी शायरी हुई, अली के लबों पर भी शायरी हुई, अली के दंदान पर भी शायरी हुई, अली के सकन पर भी शायरी हुई, अली के गुलू पर भी शायरी हुई, अली के सीने पर भी शायरी हुई, सीने के अंदर रखे हुए दिल पर भी शायरी हुई, अली के हाथों पर भी शायरी हुई, अली के कदमों पर भी शायरी हुई। और कोई अपने महबूब के कदमों पर नज़्म ना लिख सका। ये तो वाहिद अली है कि जिसके कदमों की भी तारीफ की गई। पता नहीं कोई समझ रहा है, नहीं समझ रहा भाई, किसी भी महबूब के पांव की तारीफ आज तक नहीं की गई। इसलिए कि पांव जिस्म की सबसे ज़ेरीन सतह का नाम है, तो इस पर कभी शायरी नहीं की गई। लेकिन ये वाहिद अली था कि जिसके कदमों पर भी शायरी की गई, और ऐसी शायरी की गई कि हसन बिन साबित ने कहा कि मैंने अली के कदम वहां देखे कि जहां शबे मेराज अल्लाह का हाथ था। जो है भड़क रही है ना लगे, तमाम दर्शी हालत में पहुंच रहा। जो फरमाई आपने मकामात हैदरिया को समझने के लिए जुमला पहुंचा रहा हूं। मैंने 13 रजब को अर्ज किया था कि अली बुलंदी का नाम, जो बुलंद हो उसे अली कहा जाता है। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, एक जुमला दे रहा हूं कि मकामात हैदरिया को समझने के लिए खुद भी अली होना पड़ता है, बुलंद होना पड़ता है, बाला मकामात पर जाना पड़ता है। अली मा फौकुल फितरत शख्सियत का नाम है, अली न समझ में आने वाली शख्सियत का नाम है। मैंने कल भी इमाम शाफई का जुमला आपके हवाले किया कि तजाद जहां जमा हो जाए उसे अली कहते हैं। जहां तजाद जमा हो जाए, जहां अजदाद जमा हो जाए उसे अली कहते हैं। और देखिए इल्मे मंतिक में ये बात लिखी हुई है, हमें किसी इल्म की जरूरत नहीं है अली को समझाने के लिए। लेकिन एक बात जब लिख दिया है तो भाई आप ही के लिखे हुए उसूल आपके सामने के जमे नतीजे
और जमे अजदाद मुहाल है। मुश्किल है कि दो जिदें जमा हो जाएं। क्या ये नामुमकिन है कि दो जिदें जमा हो जाएं? दिन और रात जमा नहीं हो सकते, सच और झूठ जमा नहीं हो सकते, हक और बातिल जमा नहीं हो सकते, नूर और जुल्मत जमा नहीं हो सकते, सवेरा और अंधेरा जमा नहीं हो सकते। लेकिन अली की जात वो जात थी कि जहां इमाम शाफई ने कहा कि अली की जात में अजदाद जमा हो गए कि जहां फकर भी हो, फकीरी भी हो और सखावत भी हो रही है। जहां फाका भी है और सखावत भी है। लायक कोई ऐसा फकीर कि जो फक्र में मुब्तिला हो लेकिन दरवाजे पे आने वाले को खाली हाथ ना जाने दे। लायक का ऐसा फकीर ना। अली का फक्र, अली का फक्र दोहरा है। एक वो फक्र है जिसे तुम फक्र कहते हो और एक वो फक्र है कि जिसे अल्लाह फक्र कहता है। एक फकीरी वो है कि जिसे दुनिया फकीर कहती है और एक फकीरी वो है कि जिसे अल्लाह फकीरी कहता है। यानी कुर्ब इलाही का नाम है फकीरी। ये फकीरों ने लफ्ज फकीरी बिल्कुल नीचे रख दिया। ये जगह जगह मांगने वाले, भीख मांगने वाले, तो इन्होंने बिल्कुल जायल कर दिया माने फकीर के। फकीर कहते ही अल्लाह वाले को है और अल्लाह वाला बड़ा खुददार होता है। हाय हाय हाय, कहाँ बैठे आप? अल्लाह वाला बड़ा खुददार होता है। वो हर दरवाजे पे नहीं मांगता। अल्लाह वाला बड़ा खुददार होता है। वो हर दरवाजे पे नहीं मांगता। और सबसे बड़ी पहचान अल्लाह वाले फकीर की ये होती है कि उसे मालूम हो कि किस दरवाजे से मिलेगा। यहां से खाली हाथ वापस नहीं पलटाया जाऊंगा। उसे कहते हैं अल्लाह वाला फकीर। तो अली का फक्र वो है कि उस फक्र के लिए अली ने कहा अल फक्रो फखरी। मेरा फक्र ही मेरा फख्र है। मेरा फक्र ही, मेरी फकीरी ही मेरा फख्र है। मैं फख्र करता हूं अपनी फकीरी पर। और जहां अजदाद जमा हो जाए उसे अली कहा जाता है। कहा कल भी मैंने अर्ज किया कि अल फक्रो अल जूद, अली की जात में फकीरी और सखावत जमा हो गए। इसका मतलब है कि कायनात में कोई फकीर जवाद नहीं होता। जब इमाम शाफई का फैसला हो गया तो अब किसका फैसला सामने? उन्होंने कहा फकीरी और सखावत जमा नहीं होगी, सिर्फ अली की जात में जमा होगी। खुद ब खुद जुबले से जुबला जोड़ दिया कीजिए। बस चीजें बताने की नहीं होती, समझने की होती। इसका मतलब है कहीं पर भी फकीरी और सखावत जमा नहीं हो सकते। किसी के पास बहुत पैसा आ जाए और वो देने लग जाए, ये कौन सी बड़ी बात है? अब समझे जाके। कोई बहुत बड़ा सखी गनी हो जाए और देने लग जाए, ये कौन सी बात है? भाई फकीर हो और दो, फकीर हो और फिर दो। जरा से इसकी आवाज और बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। मेरा गला बैठा हुआ है, मेरे साथ है सारे, डिस्टर्ब ना होना मेरे साथ है। भाई फकीर हो और अता कर, फकीर हो और अता कर। घर में फाका है और साहिल को रोटियां दी जा रही है। घर में फाका है और साहिल को खाना दिया जा रहा है। खुद पेवंद लगा लिबास पहने हैं और कंबर से कह रहे हैं तुम नया लिबास पहनो। साहिल को लिबास अदा करने वाला फकीर, वो फकीर के जिसे अली कहते हैं। इन फकीरों की तरह ना समझना, मैं पहले ही फक्र की तशरीह कर चुका। तो जो साहिल दरवाजे पे आ गया उसे खाली हाथ जाने नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि अली के फक्र के साथ अली की सखावत, अली के फक्र के साथ अली का जूद। अली सखी भी है, अली फकीर भी है, अली जवाद भी है। लफ्ज जवाद यानी बहुत ज्यादा अता करने वाला।
बहुत ज्यादा अता करने वाला अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान में लिखा हुआ था ये लफ्ज। लेकिन किसी माँ और बाप में ये हिम्मत ना हुई कि अपने घर में पैदा होने वाले बेटे का नाम जवाद रख देता। बेटा पैदा ही हो तो तती और जवाद नाम रखा जाए। देख रहे हैं आप कि इसी घराने को ये सआदत और मंजिलत हासिल हुई कि यहीं पर औसाफ रखने वाले पैदा हुए और उनको अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता किया कि जहां फकीरी भी हो और जहां सखावत भी। तो तैयार है सुनने के लिए? जहां फक्र भी है, जहां अता भी है। क्या कहा अली ने? क्या है हातिम की सखावत? क्या हातिम की सखावत का चर्चा करते रहते हैं? क्या किया हातिम ने? जानते हैं दौर वही है, और अभी अर्ज करूंगा आगे आने वाली तकरीर में, दौर वही है। लेकिन कहा कि क्या हातिम की सखावत? हातिम की सखावत कैसी सखावत? जुमला तो आपका सुना हुआ है ना भाई, के कहा कि हातिम की सखावत ये थी कि एक ही फकीर 40 मरतबा आता था, तो वो 40 मरतबा अता करता था। तो अली ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, ये भी कोई सखावत हुई? अरे पहली मरतबा ही इतना दे दो कि उसे बाद में आने की जरूरत ही ना पड़े। पहली मरतबा ही इतना दे दो कि बाद में उसको बार बार आने की जरूरत ना पड़े। तवज्जो है। अब मैं आपके सामने अली के अजायबात में से एक अजायबात पेश करता हूं। नहीं पेश करता, अच्छा। अली मजहरुल अजायब। सब बोलते रहना ऐसे ही, ये खामोश मत मानी चाहिए। मैं बहुत कम मकामात पर जिक्र अली करता हूं, इसलिए कि मैं देखता हूं कि जब मजमे के रगो रेशे में ये कुव्वत है कि उसके खून का हर कतरा अली बोले। मैं जिक्र अली की बेअदबी नहीं करवा चाहता। अली का जिक्र और कोई बोले नहीं तो ये गुस्ताखी हो जाएगी शान जिक्र अली में। नौजवानों को मुतवज्जे करना चाहता हूं, ये बुजुर्ग जो है ना, इनको भी मैं नौजवान कह रहा हूं। बुजुर्ग एहसास कमतरी का शिकार ना हो, आज जो बच्चे हैं ये कल बुजुर्ग हो जाएंगे, तो नौजवान भी अकड़े नहीं कि हम जवान हैं। ये बुजुर्ग भी कभी जवान थे और आपको कभी बूढ़ा होना है, इसलिए जिक्र अली में सब बराबर है। जिक्र अली में सब बराबर है। कैसे ना बराबर हो, कैसे ना बराबर हो, जैसे अली अकबर ने हमले किए वैसे ही हबीब ने भी हमले किए। तो जो है बुजुर्ग मेरे सारे खुदा शादो आबाद रखे, सबका साया सलामत रहे। अली मजहरुल अजाइब वल गराइब। फिर चुप हो गया। मजहरुल अजाइब वल गराइब। अली अजायबात का भी मजहर है, अली अजीबो गरीब का मजहर है। यानी कोई अजीब ऐसा है कि जिसका मजहर अली है? कोई अजीब ऐसा है कि जिसका मजहर अली है? कोई गरीब ऐसा है? कोई गरीब ऐसा है? गरीब का मतलब गरीब गुर्बत वाला, वो वाला गरीब नहीं। गरीब का मतलब कि जो बहुत दूर हो, उस दूर का जो करीब हो उसे अली कहते हैं।
उस बोध में जो कुर्ब हासिल कर ले उसे अली कहते हैं। तो अली मजहरुल अजायब वल गरायब, अली अजायबात का मजहर है। कायनात में कहीं अजायबात सामने आ जाए समझ लेना इब्तिदा अली से हो रही है, इब्तिदा अली से हो रही है। लेकिन बालों ने लिखा कि पैगंबर खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी में, अली हम वतन गोश हैं। ऐसे में एक साइल आया और पैगंबर के खुतबे के दौरान खड़े होकर कहता है कि मैं गरीब हूं, मैं हजार रुपए का, हजार दीनार का मकरूज हूं, और जिसका मकरूज हूं उसने मेरे दो बच्चे जमानत में रोक लिए हैं, मुझे हजार दीनार चाहिए। अली ने एक बार उसकी अबा के दामन को पकड़ कर कहा बैठ जा, खुतबा खत्म होने दे, मैं तुझे हजार दीनार दूंगा। ऐसे ही कहा खुतबा खत्म होने दे रसूल का, बैठ जा मैं तुझे हजार दीनार दूंगा। वो बैठ गए, दाएं तरफ अली थे बाएं तरफ मुनाफिक। मुनाफिक ने कहा ये अली क्या कह रहे हैं, उसने कान में कहा ये अली क्या कह रहा है, ये तो खुद फाके से हैं, ये तो खुद मकरूज रहते हैं, इन्होंने क्या कहा, ये तुझे हजार दीनार कैसे देंगे। तू फिर कहे, तू फिर उठ और फिर रसूल से अर्ज कर। वो फिर खड़ा हुआ, रसूल खुतबा दे रहे थे, कहा कि मैं हजार दीनार चाहता हूँ, मुझे हजार दीनार की जरूरत है, मैं मकरूज हूँ। अली ने फिर दामन पकड़ा, अली ने कहा बैठ जा, खुतबा खत्म होने दे, मैं 2000 दीनार दूंगा। यह सलामत रहो, तो बैठ जा, मैं 2000 दीनार दूंगा। वो बैठ गया, फिर किसी ने कहा नहीं दे सकते अली, मकरूज हैं, गलत कह रहे हैं, सिर बिठाने के लिए कह रहे हैं, खड़े होके मान। उसने फिर मांगा, अली ने फिर दामन पकड़ के कहा बैठ जा, 3000 दीनार दूंगा। और खुतबा जारी है, पैगंबर का खुतबा जारी है। अली चाहते हैं खुतबे में इंतजा ना हो, खुतबे में इंतजा ना हो, खुतबा टूटे नहीं, तसलसल खराब ना हो, ज़बाने रिसालत रुकने ना पाए। अली ये चाहते हैं कि ज़बाने रिसालत जो वही निजाम है उससे अल्फाज सादिर होते रहे। अब बैठ जा, तो 3000 दीनार दूंगा। फिर वो बैठा, फिर उस कहने वाले ने कहा झूठ बोल रहे हैं अली, तू खड़े होके मान, अली नहीं दे सकते। फिर खड़ा हुआ, 1000 दीनार चाहिए। अली ने दामन पकड़ के कहा बैठ जा, 4000 दूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ 4000 दीनार दूंगा। बात पड़ती गई, वो खड़ा होता गया, अली बिछाते गए, मैं 4000 दीनार दूंगा। वो बैठ गया, फिर उसने बहकाया, वो खड़ा हुआ, अली ने बिठाया, अली ने कहा बैठ जा, खुतबा खत्म होने दे, 5000 दीनार दूंगा। बात पड़ती गई, फिर खड़ा हुआ, अली ने बिठाया, अली ने कहा बैठ जा, 6000 दीनार दूंगा। बात पढ़ते बढ़ते 12000 दीनार तक पहुंची, थक गया, दो ही जुमलों में थक गए। बात बढ़ते बढ़ते 12000 दीनार तक पहुंची, बस 12000 दीनार तक बात पहुंची, रसूल का खुतबा खत्म हो गया। 12000 दीनार तक बात पहुंची, रसूल का खुतबा खत्म हो गया। यानी अगर रसूल का खुतबा जारी रहता तो वादा अली भी आगे बढ़ता रहता। वादे अली भी आगे बढ़ता रहता। गुफ्तगू रसूल की तमाम हुई, रसूल खड़े हो गए, साहब जमा हो गए, वो साई खड़ा हुआ, अली को अपना वादा याद। वो अली ही क्या जो अपने वादे के खिलाफ करे, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, तर्जुमा नहीं जो समझ गए उनका मेरा सलाम है। वो अली ही क्या जो अपना वादा पूरा ना करे। अली ने किसी की तरफ नहीं देखा, अली ने साहिल का हाथ पकड़ा और कहा आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं देता हूं तुझे 12000 दीनार। दिरहम भी नहीं, दीनार, एक दीनार सोने का 80 दिरहम के बराबर होता है। सोने का एक दीनार 80 दिरहम जो चांदी के होते हैं उनका बराबर होता है, उनके बराबर होता है। अली ने कहा आ जा मैं तुझे 12000 दीनार देता हूं। साहिल चला अली के पीछे पीछे, मिलेगा उसे जो अली के पीछे चले। साहिल चला,
अली के पीछे पीछे चला। अली उसको मोहल्लों से करियों से लेते हुए चलते हुए एक मोहल्ले में पहुंचे जो मदीने की सरहद पर मोहल्ला था, और उस मोहल्ले का नाम, उस शहर का नाम शहर तरसा, और उस कबीले के सरदार का नाम जमशेद, उस कबीले के रईस का नाम जमशेद ईसाई। अली ने बाहर से आवाज दी, उसने अपने गुलाम को दरवाजे पर भेजा, देख क्या कौन है। गुलाम आया, अंदर गया, उसने कहा अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब का पिसर अली। वो एकदम अंदर गया और उसने कहा कह दो कि मैं नहीं आ सकता, और कह दो कि वो बाद में तशरीफ ला। जैसे ही आवाज अली तक पहुंची, अली ने सहा किया, एक अजीब सी आवाज अली के दहन से बरामद हुई। तो रोके खड़े हो रहे, पता नहीं आप कहां पहुंचे। एक अजीब अजीबुल फितरत इंसान है ना, मजहरुल अजायब है ना, एक अजीब आवाज अली के दहन से बरामद हुई। वो दहल गया, दहल के बाहर आया, अली के सामने हाथ जोड़कर कहता कि जो हमने आपसे जजिया देने का वादा किया था वो तो साल ब साल आप तक पहुंचता रहता है। इसका मतलब है कि नसारा नजरान में से था जो मुबाहले से हट गए थे और जजिया देने का वादा किया, का साल ब साल जो हमने आपसे वादा किया था वो जजिया आपको पहुंच जाता है, पहुंचा दिया जाता है, वो अब भी आपको पहुंच जाएगा। कहा कि वो अलग है, मुझे इस वक्त 12,000 दीनार चाहिए, 12,000 दीनार चाहिए जो हमारा ही हक है। अभी तो बात खुलेगी, अभी तो बात खुलेगी, अभी तो सवालिया निशान कायम हो रहे हैं। कहा हमें 12,000 दीनार चाहिए जो हमारा ही हक है, जो हमारा ही हक है। कहा कि मेरे पास 12,000 दीनार कहां से आए। अली ने कहा मैं बताऊं कहां रखे। कहा लेके आओ फलाने फलाने मकाम पे रखे। वो लेके आया, अली के हाथ में दिया, कहा कर्ज के तौर पर ले रहा हूं, ये कर्ज वापस किया जाएगा। कहा कर्ज वापस किया जाएगा, तो उसने कहा कि मैं कर्ज ऐसे नहीं देता, मुझे कोई जमानत चाहिए। कहा बैठे आप, पैगंबर के दौर में एक वाक्य ऐसा गुजरा है, रसूल अल्लाह ने कर्ज लिया तो एक यहूदी से कर्ज लिया। रसूल अल्लाह रास्ते से जा रहे थे तो यहूदी ने रोक लिया, और रोक कर कहा उस वक्त तक जाने नहीं दूंगा जब तक आप कर्ज वापस ना कर। रसूल अल्लाह ने कहा अच्छा मैं कर्ज मंगवाता हूँ, मैं तुम्हारा कर्ज वापस करता हूँ, मैं लेके आता हूँ। कहा नहीं, मैं आपको जामिन बना के यही रोक रहा हूं। पैगंबर काफी देर खड़े रहे, रहमतल आलमीन, काफी देर खड़े रहे। जब तक कर्ज तेरा वापस नहीं होगा मैं तेरा देनदार हूं, मैं खड़ा हूं। बहुत देर तक खड़े रहे। ऐसे में उस सहाबा आ गए, उन्होंने देखा रसूल अल्लाह खड़े हुए, सहाबा कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि रसूल अल्लाह की तस्दीक हो जाए, तौहीद हो जाए। एक बार यहूदी से कहा तेरी क्या मजाल कि तूने रसूल को रोका। रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, ये अपनी जगह हक पर है, मैं इसका देनदार हूं, मुझे देना है। कहा कि जाओ फला फला मकाम, कहो अली से कि इतने पैसे कहीं से लेके मुझे दे ताकि मैं इस यहूदी को दूं। जैसे ये हुक्म रसूल ने दिया वो यहूदी कदमों पर गिरा, उसने कहा कि मैंने तौरात में निशानी पढ़ी थी कि नबी आखिर वही होगा जो वादे को निभाएगा, तो मैं सिर्फ इम्तिहान ले रहा था। और फौरन गिरते ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ठीक है, ये मामला हुए हैं। तो एक बार उसने कहा कि मैं 12,000 दीनार कर्ज देता हूं लेकिन मुझे जमानत चाहिए, कोई चीज आप रहम में रखे, कोई चीज मॉर्गेज करे, कोई चीज रहम में रखे, जामिन बनाए किसी को। तो एक बार अली ने कहा कि मेरे पास तीन चीजें हैं मेरे पास, चाहे तो तीनों में से कोई एक चीज ले ले। क्या चीज है। कहा कि मेरे पास जुलजना है, मेरे पास जुल्फकार है, मेरे पास सिपर है, कोई एक चीज रख ले।
उसने कहा ये तीनों चीजें मेरे काम की नहीं है, इसलिए कि जुल्फकार का वजन आपके अलावा कोई उठा नहीं सकता, जुलजना आपके अलावा किसी को सवारी करने नहीं देता, और सिपर पर आपका हक है। कहा कि फिर क्या बातें हो रही थी कि हसन हुसैन आए। कहा बाबा क्या बात है? कहा कि ये मामला है। कहा बाबा आप फिक्र ना करो, जमानत हम देंगे, अगर ये जमानत में हमें रखना चाहे तो हम तैयार हैं, जब तक आप कर्ज वापस करेंगे हम इसके जामिन। अली जैसा शजा, अली जैसा बहादुर, अली जैसा अपने वादे को पूरा करने वाला हसन हुसैन घर में बैठ गए। अली ने कर्ज 12,000 लिया, उस साहिल को दिया। अली चले, चलने के बाद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंचे, जहां कब्रें बनी हुई थी। अली ने गुफ्तगू शुरू की, फातिहा पढ़ा। इधर ये जो ईसाई है, नसरानी है, वो मुसलमानों का दुश्मन है, इसने अपने गुलाम से कहा इन बच्चों को एक कमरे में बंद कर दो, और देखो कि जब तक इनका बाबा कर्ज वापस ना ले आए। ये उसी रसूल का इनके नवासे हैं जिन्होंने हमारे दीन की तकजीब की है, तो इनको बंद कर दो और कमरे में अंधेरा भी हो, और उस वक्त तक खाना ना देना जब तक अली कर्जा लेके वापस ना आ जाए। अजर हुसैन कमरे में चले गए मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। अभी क्या होने वाला है? मजहरुल अजायबात के बेटे भी मजहरुल अजायब, मजहरुल अजायब का बेटा भी मजहरुल अजायब। कमरा बंद कर दिया गया, अंधेरा हो गया, रात हो गई, अंधेरा गुप्त। ऐसे में गुलाम ने देखा कि कमरे के दरवाजे की दराड़ों में से रोशनी फूट रही है, रोशनी फूट रही है, रोशनी बाहर आ रही है। गुलाम ने जाके आका से कहा कि क्या आपने अंदर चराग जलाया था? ऐसे सुन रहे हैं बड़ी हैरानी से। गुलाम ने कहा कि क्या आपने चराग जलाया था? कहा मैं कैसे जलाऊंगा, चराग जलाने की जिम्मेदारी तो मेरे पास। कहा नहीं, चाबी तो आपके पास है। तो क्या बात है? कहा अंदर से रोशनी, और ऐसी रोशनी वो चराग ही नहीं लग रही। कहा कि अच्छा, मुझे लगता है तूने चराग जलाया, और देख मैं अभी जाके चेक करता हूं, अगर मुझे चराग जला हुआ नजर आया तो मैं तुझे सजा दूंगा। ताला खोला गया, अंदर से ऐसी रोशनी कि किसी चराग की रोशनी नहीं थी। सुनेंगे, जैसे ही गए तो देखा दोनों शहजादे कालीन पर तशरीफ फरमा, सामने दस्तरखान बिछा हुआ है, मजहरुल अजायब, मजहरुल अजायब। वो किस्सा सुना रहा हूं जो मजहरुल अजायब साबित करे अली को, का दस्तरखान बिछा हुआ है और खूबसूरत बर्तनों में मेवहाय जन्नत रखे हुए हैं, और हसन हुसैन लुत्फंदोज हो रहे। उसने कहा ये सब कहां से आए तुम्हारे पास? हसन हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा अरे क्या कहा? या मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उसने कहा अच्छा, मैं भी इसे खाऊंगा, इसलिए कि तुम्हारे नाना ने कहा है कि जो मेवा जन्नत खा ले तो उस पर दोजा खराब हो जाती है, मैं भी खाऊंगा। गुलाम हैरानी से देखने लगा अपने आपा को। हसन हुसैन मुस्कुरा रहे थे, उसने एक मेवा उठाया, जैसे ही दहन में रखा चबाने के लिए, वो मेवा सख्त पत्थर का हो गया, उसके आगे के दांत टूट गए, और ये गुस्से में आया और चाहता था कि हसन हुसैन को सबो शितम करे, तो गुलाम ने हटाया। गुलाम ने कहा नहीं, ये नबीजादे और ये जमानत में, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और मैंने पहले ही कह दिया था कि कोई जहन्नमी ये फल नहीं खा सकता। उसने गुलाम से कहा तू मेरी तरफ है या इनकी तरफ है? उसने कहा मैं तो वो बात कह रहा हूं जो मैंने देखी है। अच्छा ले जाओ इन्हें हमारे बागात में ले जाओ, और इनसे कहो कि वहां बागात में जो है पानी डाले, तमाम दरख्तों को सींचे, और जो हौज हैं उनको पानी से भरे, और कहे दोनों बच्चे
ये कैसे पानी से भर सकते हैं, और कहा कि देखना अगर ये पानी से ना भरें तो फिर इनका खाना रोक लेना और इन पर तशद्दुद करना। गुलाम और ये लेके चले। हसन हुसैन बाग का दरवाजा खुला, हसन हुसैन दाखिल हो गए। कहा कि ये पूरा बाग मीलों तक फैला हुआ है, ये सब पानी देना है, और ये जो बड़े बड़े हौज हैं इनमें शाम होने से पहले पहले पानी भर देना, और ये सब पानी से लबरेज होना चाहिए। और मैं आगे अभी चेक करूंगा। बीच में गुलाम सोच रहा था कि मेरा आका मुझे छोड़ जाए तो मैं इन दोनों शहजादों की खिदमत करूंगा और इनकी जगह सारा काम मैं करूंगा, सारा काम मैं करूंगा। कहा कि चला जाएगा तो मैं खाना भी इनको दे दूंगा। रास्ते में उसने, सुबह हुई, रास्ते में उसने जंबील में कुछ खाना भी रख लिया छुपा के, उस शहजादों को खाना दूंगा। तो लेके चले, बाग में पहुंच गए, उस रईस ने छोड़ दिया और गुलाम को लेके वापस आ गया। मैं इसे लेके जा रहा हूं और मैं इसे चेक करने के लिए भेजूंगा कि तुमने काम किया या नहीं। बाग का दरवाजा बंद कर दिया, चले गए। इधर हसन हुसैन पूरे बाग का मुआयना कर, ये सब जो शादाब फूल खिले हुए हैं, ये फसलें लगी हुई हैं, ये बागात हैं, ये खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। जैसे ही हसन हुसैन आए जन्नत की हवा चलने लग गई, जन्नत की हवा चलने लग गई। शादो आबाद, बड़े शादो खुश व खुर्रम थे, देख रहे थे। और ऐसे में हसन हुसैन ने देखा कि भाई बाग में तमाम पौधों की, तमाम दरख्तों की सिंचाई करनी है, इसको पानी देना है और हौज में पानी भरना। ऐसे में मलक आसमान से नाजिल हुआ, कहा जवाना ने जन्नत के सरदार हैं आप एक संत बैठ जाइए, काम हम करेंगे। फरिश्तों ने तमाम दरख्तों को पानी दिया और अब पानी उबलना शुरू हुआ, पानी उबलना शुरू हुआ। उबलते उबलते पूरा उसका बाग पानी के अंदर डूब गया। और जिधर हसन और हुसैन बैठे थे पानी उनके चारों तरफ रुका रहा। जिधर रहो सलामत रहो, असरों लजाए बनी है। हसन हुसैन बैठ गए एक तरफ की छाव में बैठ गए और पानी चारों तरफ रुका रहा, रुका रहा। और दूर से बाग के दरवाजे से लेके तहते निकाह पानी पानी नजर आ, जैसे पूरा बाग डूब गया। थोड़ी देर के बाद ये आया चेक करने के लिए, इसने दूर से देखा पानी से पूरा बाग डूबा हुआ और पूरा बाग जो है वो लबालब पानी से भरा हुआ, डूब गया पूरा बाग। अब ये डरा, गुलाम ने भी कहा कि क्या गजब हो गया, अली के दोनों बेटे डूब गए और ये तो वादा खिलाफी हो जाएगी। कहा अच्छा हुआ इन्होंने मेरे दांत तोड़े थे, इन्होंने मेरे दांत तोड़े। कहा नहीं अमीर ये बात गलत हो जाएगी, वादा खिलाफी। कहा देखो अगर अली आए कर्ज लेके वापस आए तो तुम कह देना कि भाई न मालूम कहां से पानी आ गया और बच्चे डूब गए, बताना नहीं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा ठीक है। तवज्जो, तारीख ने मंजर बदला। उधर अली जन्नतुल बकी बैठे हुए इस्तगासा कर रहे हैं, परवरदिगार परवरदिगार तेरी राह में दिया, खत्म कर दूं क्या बात, तेरी राह में दिया, रोकता हूं बात। लेकिन मैं चूंकि वक्त मेरे पास कामिल हो रहा है तो ये जनाब मेहदी साहब कुछ आपसे अर्ज करेंगे और जल्दी जल्दी ये बात है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अली ने इस्तगासा किया, या गयासल मुस्तगीसीन, या गयासल मुस्तगीसीन, ऐ सब मदद चाहने वालों की मदद करने वाले, मैंने तेरी राह में सदका किया, तेरी राह में कर्जा दिया, कर्जा लिया और तेरी राह में अता किया, तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। पुकारो तो अली की तरह, पुकारो तो अली की तरह, तो अल्लाह ही सबक पैदा करता है। नहीं जुमला नहीं पहुंचा भाई, किसी को कुछ चाहिए तो वो पुकारे अल्लाह को। मैं तो बार बार कह रहा हूं 1400 बरस से कह रहा हूं, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। ना कश्मीर फतह हो रहा है, ना फलस्तीन फतह हो रहा है, ना कश्मीर फतह हुआ, ना फलस्तीन आजाद हुआ,
ना जिल्लतें इज्जतों में बदली। मैं मुसलसल कह रहा हूँ या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। तो अली पलट कर मुझसे कह रहे हैं कि मांगना हो अल्लाह से तो मेरी तरह मांग, मेरी तरह मांग। जब सिर्फ के दिल से अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर अल्लाह सबक पैदा करता है, फिर अल्लाह फौरन इंतजाम करता है। जैसे ही अली जैसे बंदे ने अल्लाह जैसे माबूद से तवस्सुल किया, मुतमस्सिक हुए, राब्ता कायम किया, राब्ता तो कायम करो, अल्लाह से मरबूत तो हो जाओ, अली की तरह मांगना तो सीखो। एक बार अली से, अली अल्लाह से मुतमस्सिक हुए, मुतवस्सिल हुए, या फयासल मुस्तफी परवरदिगार तेरी राह में अता किया है और तू ही सबब बनाएगा। एक बार एक बहुत बड़ा परिंदा परवाज करता हुआ आया, बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा परिंदा परवाज करता हुआ आया जन्नतुल बकी की एक छोटी सी दीवार पर आकर बैठा और अपने पर फड़फड़ाने लगा और अली को देखने लगा। ये कैसे हो सकता है कोई अली को इन निगाहों से देखे? अली को जलाल आया, अली आगे बढ़े, अली किसी से डरने वाला नहीं, अजीबुल हैयत परिंदा। तो कोई आम इंसान देखे तो उसका हार्ट फेल हो जाए, ऐसा बुलंद परिंदा, ऐसा तवील परिंदा के अली ने देखा कि वो मुझे घूर के देख रहा है। अली आगे बढ़े, उसके पंजों को अपने हाथों से पकड़ा और अपनी गिरफ्त को मजबूत किया। उसने उड़ना चाहा, अली ने खींचा, उड़ना चाह रहा था, अली ने खींचा, अली ने उसको नीचे उतारा। एक बार उसने अपनी चोंच खोली, फसी अरबी जबान में गुफ्तगू की। अली के लिए क्या मुश्किल है? अली नबी का वसी है, जिस नबी की नबुवत की गवाही जानवर दे रहे हो उस नबी के वसी के लिए क्या मुश्किल है कि किसी भी जानवर से गुफ्तगू करे या कोई भी जानवर उससे गुफ्तगू करे। एक बार वो फसी अरबी जबान में गोया हुआ, या अली मुझे दुश्मन ना समझे, मुझे अल्लाह ने भेजा है ताकि आपकी जो दुआ है वो कामिल हो जाए, का मुझ पर सवार हो जाइए और जहां मैं लेके जा रहा हूं बहुत में खुदा वहां पहुंचना। अली बैठ गए, परिंदे ने परवाज की, परवाज करते करते चश्मे जदन में एक शहर के दरवाजे पे आके बैठा, अली को उतारा और इस परिंदे ने कहा कि अल्लाह चाहता है कि आप इस शहर में दाखिल हो जाए और आपका मुद्दा यही मिलेगा, आपका कर्जा यही से अदा होगा और ये शहर वाले सारे के सारे ईसाई हैं और इनको मुसलमान कीजिए, इनको कलमा पढ़ाइए। देख रहे हैं आप अली की अता कहां तक अता करने वाली है? सुन रहे हैं आप अली की अता अताओं को कितना बढ़ाने वाली है? अली की 1/12,000 का वादा कितने लोगों को मुसलमान करने वाला है? कितने लोगों को मुसलमान करने वाला है? कितने लोगों को दायरे इस्लाम मिलाने वाला है? अली शहर में दाखिल हुआ, देखा एक वसी अरीज मैदान है, मुझे पढ़ने दो, वसी अरीज मैदान है, आगे बढ़े, देखा शहर है, शहर खाली है, और आगे बढ़े, देखा एक हौज है, बहुत बड़ा सा तालाब है। अली उस तालाब के किनारे बैठ गए, उस तालाब से थोड़ी दूर एक तख्त सजा हुआ था, उस तख्त के बराबर में एक मिंबर रखा हुआ था, बहुत दूर अली को नजर आ रहा है। और अली इधर तालाब के किनारे बैठ गए, हौज के किनारे बैठ गए। 40 अफराद आए, उनके हाथों में मशकें थी, वो हौज से पानी भरने आ गए। अली बैठे हुए उन 40 अफराद के आगे आगे जो आ रहा था, अली मुखातिब होकर कहते अब्दुल्ला क्या चाहते हो? एक मर्तबा मुतहय्यर होकर अली को देखता ताकि आप कौन है? पहली मर्तबा आपने मुझे देखा, पहली मर्तबा मैंने आपको देखा, इस शहर में नौबारी लग, नाम कैसे मालूम? क्या सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे अबू जद का नाम मालूम, अबू जद का नाम मालूम। कहा आप कौन है, कैसे आना हुआ? कहा पहले तुम बताओ ये कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है? कहा इस शहर का नाम है जाबलसा, जाबलसा इस शहर का नाम है, जाबलका जाबलसा दो शहर है कि जिसका मुकम्मल तारुफ अली ने कराया है और वो मैं मेरे ख्याल 4 या 5 साल पहले अर्ज कर चुका हूं। कहा ये जाबलसा शहर है और इस शहर का जो वाली है वो नसरानी है और वो किसी भी मोहम्मदी को बर्दाश्त नहीं करता,
वो किसी भी कलमा गो को मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करते, और जो भी उसे नजर आता है जो कलमा गो पढ़ता हुआ दिखाई दे, कलमा पढ़ता हुआ दिखाई दे, वो उसे कत्ल कर देता। ये उसका शहर, नाम है उसका खुसरो। तो कहा कि ये मजमा कैसा है, ये दूर तख्त और ये बराबर में मिंबर। कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा आलिम रहता, नसरानी आलिम, ईसाई आलिम। वो साल में एक मरतबा अपने गिरजा से बाहर आता और आकर लोगों को दर्स देता और तौरात और ज़बूर और इंजील की तालीम देता, और तालीम देता है तो उसमें तमाम अंबिया का जिक्र करता और फिर बताता है कि क्या किया था। तो लोग उसको एक मरतबा देखने आते। आज वही दिन है, देख रहे मसलहते खुदाबंदी। परिंदा भेजने वाला अल्लाह, फरिश्ता परिंदे की शक्ल में आया, फरिश्ता परिंदे की शक्ल में आया। अब ये मसलहते खुदाबंदी का आज वही दिन है और उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारी ड्यूटी ये है कि ये जो सामने आमने आप देख रहे हैं, बहुत बड़े 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 प्याले रखे हुए, ऐसे प्याले कि जिन बड़े बड़े पत्थर के प्यालों में, एक एक प्यालों में 40-40 मश्क पानी भरी जाए तब प्याला भरता, ऐसे 40 प्याले। कहा कि हाकिम का हुक्म है, हम उसके हुक्म के लिए आते हैं, इन 40 प्यालों में पानी भरना होता है और ये पूरी जमीन वहां तक हमें इसकी तराई करना, इसमें पानी छिड़कना है ताकि जब लोग आए तो यहां से गर्द ना उठे। अली ने कहा अच्छा कितनी देर लगती है? कहा लग जाते हैं 4-5-6-7 घंटे। अली ने कहा अच्छा मैं कुएं से डोल भर रहा हूं, अपनी अपनी मशीनें खोलो। अली ने कुएं से डोल भरा, एक डोल इतना सा। क्या मशकों के दहाने खोलो, 40 आदमियों ने मशकों के दहाने खोले, अली ने एक ही डोल से 40 मशकें भर दी और डोल का पानी वहीं का वहीं रहा। तस्मों को बांधा गया, कहा कि छिड़काव करना है। जी हाँ, कितने आदमी मिलकर छिड़काव करते, ताकि सुबह से शाम हो जाती है और तकरीबन 300 मशके यहां पानी की छिड़कने पड़ते। अली ने कहा ठीक है। एक बार अली ने डोल को ऊपर किया, डोल ऊपर आए, अली ने डोल में फूंक मारी, पूरा पानी बारिश की तरह पूरी अराजी में फैला। जैसे ही 40 आदमियों ने देखा, अब्दुल्ला ने कहा आपको आपके हक की कसम बचाएं आप कौन है, आपको आपके हक की कसम बचाएं आप कौन है। कहा कि मैं मोहम्मदी हूं। इसीलिए तो अली ने मौजजात दिखाए कि अपने को साबित नहीं करना है, मोहम्मद को साबित करना है, मुस्तफा को साबित करना है। बताना है कि मुस्तफा अल्लाह का नबी है, बताना है कि मुस्तफा अल्लाह का जान, अल्लाह का, अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का खलीफा है। कहा कि मैं मुस्तफा का मानने वाला हूँ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहने वाला हूँ। कहा कि आप कहने वाले तो हैं, ऐसे तो बहुत से कहने वाले हैं, लेकिन हमने ये मौजदा किसी में नहीं देखा, ये इख्तियार किसी में नहीं देखा। एक बार आप बताइए कि आप असल में हैं कौन। कहा कि मैं उसी मुस्तफा का वजी अली इब्न अबी तालिब। सबके सब मौला के कदमों को छूमा और कहा इसी वक्त हम ईमान लाते और अब हमें परवाह नहीं कि हमारा हाकिम हमें मारे या जीने दे। लेके चले अली आगे पहुंचे, उस मकाम पर पहुंच गए जहां तख्त रखा हुआ था। अली तख्त के बराबर में जाके बैठ गए, मिंबर और तख्त के बराबर में बीच में जाके बैठ गए। ऐसे में लोग आना शुरू हुए, किसी की निगाह अली की तरफ नहीं जा रही, जब चाहे गायब में चला जाए, जब चाहे जाहिर हो जाए। लोग जमा हो गए, ऐसे में हाकिम आया, उस कबीले का हाकिम आया, और हाकिम आया तो उसने वहीं खड़े खड़े कहा कि अब तक आलिम वक्त को क्यों नहीं लाया गया, आलिम वक्त को ला के मिंबर पे बिठाओ। लोग गए आलिम वक्त को ला, मिंबर पे आलिम वक्त बैठ गए और सब इंतजार में है कि वो आलिम जो बहुत बुजुर्ग है वो बोलना शुरू करे। वो नहीं बोला, वो खामोश, सुम्मन बुकमन, सुन होके बैठा है, सुन होके बैठा है। और ऐसे देखा उसने, उधर से खुसरो ने कहा कि बात क्यों नहीं करता, मुझे साल में बुलाया इसलिए जाता कि बात कीजिए, खुतबा दीजिए,
उसने एक मरतबा कहा यहां एक ऐसी शख्सियत बैठी है हाय 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 कि जिसके सामने जुमला सुनेंगे कि जिसके सामने जिब्राइल को भी ताबे कलाम नहीं है, जिसके सामने जिब्राइल को भी ताबे कलाम नहीं है। कौन बैठा है, कौन बैठा है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहे? ऐसे में अली उठे, उठकर उस बादशाह के तख्त पर जाके बैठे। अली ने बताया ना तख्त तो है ही हमारा, बैठे बैठे न बैठे न बैठे जुमला कह भी दिया और आपने सुन भी लिया, तख्त तो है ही हमारा। बैठ गए, बादशाह ने बड़ी गजबनाक निगाहों से देखा, अली ने अपने असल जलाल को जाहिर किया, अपने असल जलाल को जाहिर किया। एक बार उसने पूछा कौन है आप? कहा मैं मुस्तफा का वजीर अली इब्ने अबी तालिब, मैं हूं अली इब्ने अबी तालिब, रसूल का वजीर, रसूल का जानशीन, मैं हूं अली इब्ने अबी तालिब। एक बार उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जाओ और हमला करो और मैं देखना चाहता हूं, और मैंने ये हुक्म दिया हुआ है कि कोई भी कलमा को यहां से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, यहां से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उसकी फौज आगे बढ़ी, अली उठे, अली उठे। अभी अली के हाथ में कोई असलहा नहीं है। अली ने चश्मे जदन में हर दो आदमी के सर को टकराना शुरू किया, सब के सब बेहोश होकर गिरे, आगे भी बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश आया, कहा कि आलिम वक्त से बात, ये कौन बैठा हुआ था और मैं कत्ल करके रहूंगा, तलवारें निकाल। उस आलिम ने कहा कि रुक जाओ, बात यह है कि ये कहते हैं कि मैं मुस्तफा का जानशीन अली हूं और मुझे तौरात और ज़बूर और इंजील में ये खबर लिखी हुई मिली है कि आज ही के दिन यहां कोई मजहरुल अजाइब वल गराइब आएगा। मैं देखना चाहता हूं ये वही हैं या नहीं। कैसे देखोगे? तो मैं इनसे सवाल करूंगा, अगर ये सवालात के जवाब दे देते हैं तो यही मुस्तफा के जानशीन हैं। इसी में सारी बातें छुपी हुई हैं। मुस्तफा का जानशीन वो हो कि जो इल्म में कामिल हो, जो इल्म में कामिल हो, मुस्तफा का जानशीन वो हो जो इल्म में कामिल हो। तो अगर इन्होंने मेरे सवालात के जवाब दे दिए तो यही मुस्तफा के जानशीन है। अली ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? पूरा मजमा साकित खड़ा हुआ, आके मैं वक्त भी साकित खड़ा हुआ। अली ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो सवाल किए, कहा मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं कि वो एक क्या है जिसका दो नहीं, वो दो क्या है जिसका तीसरा नहीं, वो तीन क्या है जिसका चौथा नहीं, वो चार क्या है जिसका पांचवा नहीं, वो पांच क्या है जिसका छठा नहीं, वो छह क्या है जिसका सातवां नहीं, वो सात क्या है जिसका आठवां नहीं, वो आठ क्या है जिसका नवा नहीं, वो नौ क्या है जिसका दसवां नहीं, वो दस क्या है जिसका ग्यारहवां नहीं, वो ग्यारह क्या है जिसका बारहवां नहीं, वो बारह क्या है जिसका तेरहवां नहीं। पूरा मजमा सन्नाटे में और नाहिब ने सवाल किया। अली ने कहा सुना, वो एक जिसका दूसरा नहीं वो अल्लाह है, ये दूसरा कोई खुदा नहीं। कहा वो दो जिनका तीसरा नहीं वो दिन और रात है। कहा वो तीन जिसकी चौथी नहीं वो तीन चलाते हैं, ऐसे थोड़ी सुना, वो तीन चलाते। कहा वो चार जिसका पांचवा नहीं वो चार आसमानी किताबें हैं। कहा वो पांच जिसका छठा नहीं वो पांच वक्त की नमाजें हैं। वो छह जिनका सातवां नहीं वो छह दिन वो हैं कि जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल किया। कहा कि वो सात जिनका आठवां नहीं वो जहन्नम के सात दरवाजे हैं, वो आठ जिनका नवा नहीं वो जन्नत के आठ दरवाजे हैं, वो नौ जिनका दसवां नहीं वो नौ अफलाक हैं, वो दस जिनका ग्यारहवां नहीं वो हाजियों के दस दिन हैं, वो ग्यारह जिनका बारहवां नहीं वो ग्यारह यूसुफ ये भाई है, वो ग्यारह याकूब के बेटे हैं, और वो बारह जिनका तेरवा नहीं वो हम रसूल के बारह जानशीन।
रसूल के 12 जानशीन। अली ने कहा अगर इसको तस्लीम नहीं करता तो सुन, 12 महीने 12 बुरूज, लेकिन सब में हम ही शामिल, सब में आले मोहम्मद ही शामिल। गरज गए पूरे बदने पे खामोश। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल वही जवाबात है जो सोहफ आए आसमानी में लिखे हुए। अली ने कहा क्या अब मुझे इजाजत है कि मैं तुझसे सवाल करूं? क्या मुझे इजाजत है कि मैं तुझसे सवाल करूं? रुक कर कहता हूं जी, रुक कर कहता जी। सब देख रहे हैं अली की तरफ। अली ने सवाल किया। अब अली जो सवाल करेंगे वो ऐसा करेंगे कि जिसका जिक्र तौरात और ज़बूर और इंजील में होगा। ऐसा सवाल अली करेंगे ही नहीं कि जिसके बारे में अली को इल्म हो कि इस राहिब को इल्म नहीं है। जिसके बारे में अली को इल्म हो इस राहिब को इल्म नहीं है। लेकिन अली ने वही सवाल किया कि जो तौरात और ज़बूर और इंजील में लिखा हुआ था। कहा सुनो, जब अल्लाह ने आसमान खल्क किया और आसमान करार नहीं पा रहे थे, हिल रहे थे, अपने वजन से टकमगा रहे थे, तो अल्लाह ने आसमानों को किस चीज से करार अता किया? किस चीज से अल्लाह ने आसमानों को करार अता किया कि आसमान करार पकड़ गए और रुक गए? अली का सवाल खत्म हुआ। अली चुप, राहिब भी चुप, राहिब भी चुप। हाकिम ने राहिब से बढ़कर कहा पूरे साल तुम्हें दिरहम और दीनार दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुमने 12 सवाल किए, इसने जवाब दे दिए, ये एक सवाल कर रहा है, तुम जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब दो। हाकिम ने कहा हमारी मजहब की इज्जत का सवाल है, जवाब दो जो इस शख्स ने सवाल किया। एक बार राहिब ने कहा हाकिम तुम मुझे जान की अमान दे दो जवाब दो। थक गए शायद आज, मुझे अंदाजा है वक्त काबिल हो गया और वक्त थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया, लेकिन मौजू को काबिल करना है, मजमून को मुकम्मल करना है। कहा कि हाकिम तू मेरी जान की अमान दे, मुझे जान की जमानत दे तो मैं सवाल का जवाब। हाकिम ने कहा जान की जमानत? अली ने कहा दे जवाब। उसने कहा कि ऐ अली इब्ने अबी तालिब तुमने तो आज मुझे भी कत्ल करवा दिया और तुम खुद भी कत्ल हो जाओगे। अली ने कहा कोई तलवार ऐसी बनी नहीं तो जो अली को बगैर होशियार किए कत्ल कर दे, जवाब दे, मैं जामिन हूं तेरी जिंदगी का। उसने कहा हाकिम तौरात और ज़बूर और इंजील में लिखा हुआ है कि जब आसमान टकमगा रहे थे, करार नहीं पा रहे थे, तो दस्त कुदरत ने जीते रहो दस्त कुदरत ने सफ़े लौ पर एक तहरीर लिखी और उस तहरीर को आसमानों पर चश्मा किया। वो तहरीर जैसे ही आसमान से मश हुई आसमानों को करार आ गए। आगे ने पूछा तहरीर में लिखा क्या था? इसीलिए जान की अमान मांगी थी, तहरीर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली जन वली अल्लाह। देखो तुम रिज़म में, देखो तुम बदम में, देखो
अली है, मोमन का सहारा अली है, हर दिल ने पुकारा अली है, दिलों की चहक में अली है, फूलों की महक में अली है, जानी की लचक में अली है, बिजली की कड़क में अली है, क्या तेरी इमामत अली है, क्या तेरी खिलाफत अली है, काबे में विलादत अली है, मस्जिद में शहादत अली है, रुकू में सखावत अली है, पर्दे में नियाबत अली है, मेरा एक वसीला अली है, मेरा एक वजीफा अली है, बचाम पुकारो अली है, हर काम पुकारो अली है, सर पे मिलेंगे अली है, फिर जाम चलेंगे अली है, पर भर के पिएंगे अली है, तो मन खुश होंगे अली है, बाजार चलेंगे अली है, फिर वो भी चलेंगे अली है, चल चल के मरेंगे अली है, तो हमसे कहेंगे अली है, साड़ी सी दे दो अली है, हम उनसे कहेंगे अली है, क्या उसको मिलेगी अली है, वो दिल से कहेगा अली है, वो दिल से कहेगा अली है, वो दिल से कहेगा अली है, मेरी हक नारा है। ये तीन के लिबास है जिससे आसमानों को करार मिला, न लिखा जाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अलीजुन वलीदुल्लाह, तो ये आसमान आज भी डगमगा रहे होते। बड़े बड़े आसमानों को करार मिला है अलीजुन वलीदुल्लाह से, बड़े बड़े पहाड़ करार में आ गए अलीजुन वलीदुल्लाह से। तो ये अलीजुन वलीदुल्लाह लफ्ज अली इंसान को जवान राना भी बनाता है, शेर बेशय शजाअत भी बनाता है। कोई अली का नाम लेके मैदान जंग में आ जाए, बुजदिल भी बहादुर हो जाता है। तो कोई बाहर का आ जाए तो बहादुर हो जाए। और जो अली के घर वाले हैं, जिनकी खुद अली ने तरबियत की है, चाहे वो अब्बास हो, अब्बास जैसा सजा, हसन जैसा सजा, हुसैन जैसा सजा, और चाहे अपना भतीजा मुस्लिम ही क्यों ना हो, अकील का बेटा मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, अपने वतन से दूर मुस्लिम, मुसाफिर मुस्लिम, मुसाफिर मुस्लिम, जिसकी मुसाफिरत ही शहादत हो गई। बच्चे साथ हैं, मुस्लिम कूफे की गलियों में जंग कर रहे हैं, बच्चे बिछड़ गए, मुस्लिम को दो फिक्रें हैं, दो फिक्रों, एक तो फौज पर हमला करना है, फौज से दिफा भी करना है, और दूसरे अपने बच्चों का भी ख्याल है, ना मालूम मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। हाँ मेरे अजीजों, लेकिन हुसैन की सिफारत पर है मुस्लिम, सिफारत का हक अदा करना है। वो जंग लड़ी है शेर बेशय बनी हाशिम में, ऐसी जंग यादगार रह गई। मैं ये जुमले मुबालिगा आमेजी नहीं कर रहा, तारीख में लिखा हुआ है कि मुस्लिम की जंग यादगार, ऐसी जंग किसी ने नहीं की जैसी मुस्लिम ने की। तन्हाई में कूफे की गलियों में 500-500 सवार, मेरी तरफ देखते रहो, जो हो रहा है उसे होने, 500-500 सवार और मुस्लिम जंग कर रहे थे, 500-500 को काटते जा रहे थे बार बार, कभी 300 का लश्कर आ रहा, कभी 500 का लश्कर आ रहा, कभी 200 का लश्कर आ रहा, और हर लश्कर को मुस्लिम काटते जा रहे, काटते जा रहे। बिठाओ इसको, किसने आने दिया इसको, बैठ जाओ, बिठा लो इसको। पूरी जंग मुस्लिम ने लड़ी है और तन्हा लड़ना है, तन्हा लड़ना सिर्फ इस बात पर कि मुझे आपका की सिफारत का हक अदा करना है। मुस्लिम को भेजा था, मुस्लिम ने जंग लड़ी, लेकिन अजीजों मुस्लिम को हीले से गिरफ्तार किया गया, इस तरीके से कि रस्सियां फेंकी गई, कमंद बना के रस्सी फेंकी गई और मुस्लिम को जकड़ लिया गया, रस्सियां फेंकी गई मुस्लिम को जकड़ लिया गया, और जिस वक्त मुस्लिम को जकड़ा गया, सुनेंगे जुमला, सिर्फ यही नहीं कि नेजों से और तलवारों से हमला किया, पत्थर मारेगा मुस्लिम को, पत्थर मारेगा, लाठियों से हमला किया गया। एक सफीर के साथ क्या यही होता है कि कोई किसी के सफीर के साथ ये करता, कहीं नहीं करता, किसी मुल्क के कानून में ये नहीं लिखा। सफीर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, सर से पांव तक लहू लहान, चेहरे पर भी जख्म आ गए थे, पत्थर लगे थे ना, तो माथा भी जख्मी था, रुखसार भी, होंठ भी फट चुके थे, दंदाने मुबारक भी जख्मी थे,
लहू बह रहा था दहन से, मुस्लिम को बांध दिया गया, मुस्लिम के हाथ कस दिए गए, मुस्लिम को घसीटते हुए दरबार में लाए, दरबार में लाए। लेकिन कैसे लाए, लिखा है कि मुस्लिम को लेके जा रहे थे घसीटते हुए। एक शख्स कहता है मैं बराबर से चल रहा था, मैंने मुस्लिम को देखा, मुस्लिम के आंसू बह रहे थे, इब्ने अकील के आंसू बह रहे थे। अभी ताबूत बरामद होना है, शबीह ताबूत जनाब मुस्लिम, उस मुस्लिम की शबीह ताबूत कि जिसकी लाश को कूफे की गलियों में घसीटा गया, उसका शबीह ताबूत। इसलिए अपने सर पर हाथ मारते रहना, इसी में हाथ मारते रहना। मुस्लिम को उसने देखा कि मुस्लिम की आंखों से आंसू बह रहे, उसने कहा कि डर के रो रहे हो, बनी हाशिम के लोग डरते तो नहीं है, तुम दरबार में पेशी से रो रहे हो। कहा हम कभी डर से नहीं रोते, हम कभी खौफ से नहीं रोते, अब फिर किस लिए रो रहे हो। कहा रो इसलिए रहा हूं कि मैंने आका को खत लिख दिया है, अजर को बदलना, अजर को बदलना, मैंने आका हुसैन को खत लिख दिया है कि आ जाए कूफे की फजा साजगार, ले चले मुस्लिम को दरबार में लेके आए, दारुल अमारा में घसीटते हुए लाए। मुस्लिम का सीना चौड़ा था, मुस्लिम की गर्दन उठी हुई थी, मुस्लिम एक एक को झिड़कते हुए आगे बढ़ रहे। किसी ने कहा अमीर को सलाम करो, मुस्लिम ने गर्दन उठाकर कहा ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा अमीर सिवाय हुसैन के कोई और नहीं है, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। लेके आए, मुस्लिम ने वसीयतें की कि मैं मकरूज हो चुका हूँ, मेरी जिरा बेच कर कर्जा अदा किया जाए, और दूसरी वसीयत यह है कि मेरी तरफ से आका हुसैन को खत लिख दो कि मौला अब कूफे ना आइएगा। पता नहीं जुमला कैसे सुनेंगे आप, अब कूफे ना आइएगा, और अगर कूफे आने का इरादा कर ही लिया है तो जैनब कुलसूम को साथ ना लाइएगा, अजरक अमर अल्लाह बहनों को साथ ना लाइएगा। वसीयत पर अमल हुआ या नहीं हुआ ये तारीख जाने, ले जाओ मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर, खत्म हो गई तकरीर, ले जाओ मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर, सर तन से उड़ा दो, तलवार लगाओ सर काट दो, मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पर ले जाया गया। मुस्लिम दो जानू होके बैठे, एक बार चल्ला से कहा रुक जा, मैं जरा कुछ इन कूफे वालों से कहना चाहता हूँ। दारुल अमारा की छत से देखा दरबार लगा हुआ है और बाजार सजा हुआ है, उस बाजार में लोग खरीदारी कर रहे हैं, उनकी गोदियों में उनके बच्चे हैं, नए नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। मुस्लिम ने कहा है कूफे वालों कल ईद मनाओगे, कल ईद मनाओगे, आए ये ईदें कैसी हैं कि कभी आले मोहम्मद को सुकून ना मिला, कभी आले मोहम्मद को कोई खुशी ना मिली। कहा कल 10 ज़िलहज्जा को ईद मनाओगे, तुम्हारी गोदियों में तुम्हारे बच्चे हैं जिनके लिए खरीदारी कर रहे हो, तुमसे सिर्फ ये वसीयत है कि मेरे साथ भी दो बच्चे आए थे, वो अगर कहीं मिल जाए तो उन्हें मदीने का रास्ता दिखा देना। बस ये कहा था कि तलवार उठी, जल्लाद की तलवार उठी, उधर उधर हुसैन मस्जिद सालबिया पर बैठे हुए थे, मंजिल सालबिया पर एक बार हुसैन खड़े हो गए और हुसैन ने जवाब सलाम दिया, वालेका सलाम या अखी मुस्लिम, ऐ मेरे भाई मुस्लिम तुझ पर भी मेरा सलाम। अब्बास ने कहा आका किसको जवाब सलाम दे रहे हैं, कहा अब्बास देखो पर्दे हटाए, कहा अब्बास देखो मुस्लिम पर तलवार चला चाहती है, मुस्लिम ने वही से मुझ पर सलाम किया है। अब्बास ने जलाल के आलम में कहा मौला मुझे इजाजत दे दो, माला मौजूदे से मुझे कूफा भेज दो। एक बार कहा अब्बास, अब्बास जलाल आ गया है, अब्बास गुस्से में हो, क्या मुस्लिम को जाकर बचाओगे, मैं भी तो देख रहा हूँ ये मशीयत परवरदिगार है। कहा आका मैं जंग करने नहीं जा रहा। कहा क्यों जा रहे हो, कहा आका इतनी बुलंदी से सर कट के जमीन पर गिरेगा तो कोई तो उठाने वाला हो। आखिरी जुमला हुसैन ने कहा अब्बास जरा जमीन को देखो, अब जो देखा फातिमा जहरा दामन फैलाए हुए।